तो हम यहाँ पे आए हैं पिंडी में मामू बर्गर पे। अभी मजा आएगा ना। तो यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे दो शॉप्स हैं मामू बर्गर की। वहाँ पे है असली मामू बर्गर और ये है मामू बर्गर, इस पे कोई असली वाला नहीं खा। तो आप कमेंट्स मुझे जरूर बताएं कि इनमें से असली कौन सा। हम इस वाले मामू बर्गर पे बर्गर खाने लगे हैं। ये हमारे अब्दुल्ला भाई हैं, ये आसमान भाई हैं, ये आसफ भाई हैं, ये साजिद भाई हैं और ये नुमान भाई हैं। और हम सब यहाँ पे आए हैं मामू बर्गर पे बर्गर खाने के लिए। और हमने ऑर्डर किया चिकन चीज बर्गर। यहाँ पे पहले चाइनीज होटल था, याद है? यहाँ पे बाहर चिट्टियाँ बनी हुई थी, जालियाँ लगी हुई थी, चाइनीज सूप पीने के लिए। हाँ, चाइनीज भी थे। तो हमारा ऑर्डर आ गया है चिकन चीज बर्गर का। भाईजान बोतल भी गई थी। ओके जी, तो ये है हमारे चिकन चीज बर्गर। भाईजान 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 मोबाइल से निकले आ जाए। वो कहते हैं ना रिजक का इंतजार नहीं कराना चाहिए, तो भाईजान आ जाए। और बोतल भी आ गई है हमारी, साथ ग्लास भी हैं। ये भाई हैं, ये मैं हूँ, ये पार्टी हो रही है, ये बर्गर मौके हैं। और आखिर पे इस बंदे ने तीन ग्लास पिए हैं और इसने सवा तीन ग्लास पिए हैं और इस बंदे ने एक भी नहीं पिया और इस भाई का उसने एक घूट पी लिया, बाद में वो हमें पेटे पड़ गया। तेरा हो गया लाया भी थोड़ी एक नाई को खाना बनवाया ना, खाना ला के सारा खा लिया। ठीक है जी, जो खाना थले लग गया ना उसके अभी देखो जी हम ताड़ी बरात आ गई। जेडे बंदे ने मारिया ढोल ते चावल थले लग जाने मैं उधर जिम्मेदार नहीं। उन्हें कहा यार सारे लो यार कोई बंदा ढोल ना मारे। पूरी जी एक बंदा सी उन्हें मारिया ढोल कहना लो क्या सी ना सारिया देगा लगी जी थले। जी तो बर्गर हमने खा लिया और माशाल्लाह बहुत प्यारा टेस्ट था। जो भाई आज तक नहीं आए पिंडी में होते हुए मामू बर्गर पे नहीं आए वो यहाँ पे जरूर आए। तो देखिए नाजरीन, ये अंडे वाले सॉरी अंडे वाले नहीं चिकन चीज वाले बर्गर खा खा के इतने फिट चुके हैं इनसे उठा भी नहीं जा रहा, ये जुलने को तैयार ही नहीं। हालांकि ये ब्याह है वो तड़ा ब्याह है कोई नहीं, वो छड़ा है उसकी तो खैर है, इसका ब्याह हुआ है लेकिन इसकी बुड्ढी यहाँ नहीं है, इसकी बुड्ढी ग्राम पे है। बाकी इसकी बुड्ढी और इसकी बुड्ढी घर में आज रात को कुट लगेगी इन तीनों को। भाई कहते हैं कि घर पे कुट नहीं लगती, सीधा मुर्गा बनाया जाता है। घर में खा चुके और अब हम जा रहे हैं आगे कोटा होटल पे, वहाँ पे हम जाके पियेंगे चाय। ओके जी, तो हम अभी रास्ते में हूँ और जा रहे हैं। फ्रेंड्स मेरे सारे आगे निकल गए हैं और मैं भी, कुछ ये है दोस्त मेरे, आ जाओ भाई आ जाओ। और ये एक मेरा दोस्त जा रहा है आगे और ये आगे जी हमारा कोटा होटल और यहाँ पे हम सब दोस्त मिल के चाय पिए। और कोटा होटल काफ़ी मशहूर है रावलपिंडी के अंदर, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस खुल चुकी हैं रावलपिंडी के अंदर, आई थिंक दर्जनों के हिसाब से होंगी ब्रांचेज इनकी। और टेस्ट इनका लाजवाब होता है, हम अक्सर यहाँ पे आते हैं फ्रेंड के साथ और आज फिर आए हैं चाय पीने के लिए। बाकी ये स्पेशल चाय है ट्रकों वाली, ये हमारे ये नौमी भाई हैं इनका कहना है ये ट्रकों वाली चाय है। तो अभी चाय पीते हैं और चाय वैसे इनके बड़ी टेस्ट वाली होती है, आज देखते हैं इनकी चाय। इनकी दूसरी ब्रांचेस पे हम जाते रहते हैं, इस ब्रांच पे फर्स्ट टाइम आए हैं। तो भाई अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके जी नुमान भाई अल्लाह हाफिज़। उस्मान भाई अल्लाह हाफिज़। बाजवा साहब अब्दुल्ला भाई अल्लाह हाफिज़। और एट फ्रेंड, तो पार्टी हो चुकी थी ख़त्म, अभी मैं जा रहा हूँ घर वापस। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।